मध्य प्रदेश में मेडिसिन से जुड़ी कालाबाजारी को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। उसके बाद आज नीमच पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर आज पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल कैंट पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले को लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जिनके कब्जे से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी जब्त किए गए। वहीं आज आरोपियों को पुलिस द्वारा कैंट थाने से न्यायालय में पेश किया गया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीमच चूड़ी गली से भी देर रात 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उपरोक्त मामले में SP सूरज वर्मा ने बताया कि नीमच में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर कैंट थाने में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और कैंट पुलिस को इंजेक्शन की कालाबाजारी की जानकारी मिलने पर सीओर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए। पुलिस द्वारा उनके ट्रांजेक्शन की जांच की जा रही है और उनके द्वारा पूर्व में भी ऐसी कालाबाजारी की गई है या नहीं, इसकी भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय न्यायालय और जिला जो प्रदेश सरकार है उनके निर्देशानुसार सभी जिलों में एक जो भी कालाबाजारी चल रही है, भले वो रेमडेसिविर की हो, ऑक्सीजन की हो, एम्बुलेंस की ओवर चार्जिंग की हो, इन सभी चीज़ों पर नकेल कसने के लिए निर्देश मिले हैं। और उसी क्रम में पिछले दिनों एक SIT की गठन किया गया था। उस SIT को फुल टाइम यही टास्क दिया गया था कि ऐसे कहीं भी कोई भी कालाबाजारी हो रही है तो उसको पकड़ा जाए और प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। उसी क्रम में कैंट पुलिस थाने को विशेष सफलता मिली है, जिसमें एक प्रकरण दर्ज हुआ है जो कि विभिन्न जो 420 की धाराएं और जो महामारी की धाराएं और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो सेक्शंस हैं उनके तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसमें कुल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक सुनील पाटीदार, एक शैलेंद्र सिंह जो कि एक मेल नर्स का काम करता था, और एक संदीप महेश्वरी जो कि एक डॉक्टर है, प्राइवेट अस्पताल में काम करते हैं। इन तीनों को सीहोर जिले में अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 2 रेमडेसिविर के वायल जब्त किए गए हैं और इनके साथ जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और इन सब के डिटेल्स हैं वो सब इनके फोन से प्राप्त हुए हैं। सर, आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं, अपने नीमच जिले से के कनेक्शन इनका? जो कि आपको मालूम है कि ये जो अलग अलग स्थानों पे सोशल मीडिया, फेसबुक पे कई तरह के नंबर जारी होते हैं कि जिस पे कोई रेमडेसिविर अवेलेबल करा रहा है, कोई ऑक्सीजन अवेलेबल करा रहा है, तो इन सब पे हमारा जो SIT थी उसकी नज़र पैनी नज़र लगी हुई थी और उन्हीं नंबरों को डेवलप किया गया था, उन सोर्सेज को डेवलप किया गया था। तो जो एक नंबर मिला था जिसमें 25,000 से 26,000 रुपये के लगभग में रेमडेसिविर देने का उसमें जो बातचीत हुई थी, उसके बाद किसी कारण से वो डिलीवरी यहाँ नीमच तक नहीं पहुँच पा रहा था क्योंकि उनकी पास गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। तो फिर जो SIT की जो टीम थी उन्होंने ही एक उसमें टीम यहाँ से रवाना किया और जहाँ पर वो उनकी जो स्टॉक रखते थे वहां से इनको अरेस्ट भी किया है, उनके पास से रेमडेसिविर सीज भी किया है। प्रारंभिक पूछताछ में क्या पता चला है, क्या इनका कोई ग्रोह चलता है, किस तरह से इकार करना? अभी इनसे पूछताछ जारी है और हम ये भी देख रहे हैं कि ये रेमडेसिविर एक्चुअली किस स्टॉक का है, कहां से इसका अलॉटमेंट ओरिजिनली हुआ है, क्या ये ओरिजिनल है या फेक है, उन सब का भी इनके जो सीरियल नंबर और ये सब स्टॉक नंबर होते हैं उन सबको चेक किया जा रहा है और इनसे और भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है कि ये कब से ये काम कर रहे थे, कहाँ कहाँ पर इन्होंने सप्लाई किया है।